बनाने के लिए नीमकला घाट बहुत दूर से बैरिकेडिंग हो गया है। जब हम लोग टर्न करते हैं मालापाड़ा के राजा कटरा की तरफ, वहीं से बैरिकेडिंग है इस बार और बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ रहा है। बट स्टिल कान्हाजी ब्लॉग्स की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभेच्छा। छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाई जाती है। यह उत्सव एक धन्यवाद उत्सव है जो मूल रूप से सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा का त्यौहार महाभारत के कर्ण द्वारा शुरू किया गया था, जो कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। हालांकि छठ की पूजा छठी मैया के लिए भी मनाई जाती है, जो संतानों की रक्षा करती हैं। छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत पहले दिन नहाए खाए से शुरू होती है। 4 दिन के महापर्व का पहला दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने घरों में चारों ओर साफ सफाई करते हैं और चने की दाल, चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम को पूरी खीर या फिर शुद्ध चक्की के आटे से पिसी हुई घी चुपड़ी रोटी में नया गुड़ रखकर और नए चावल की खीर बनाकर ही भोग लगाकर भगवान को अपना उपवास खोलते हैं। तीसरे दिन भी व्रती व्रत करते हैं और सूर्य देव को अर्पित किया जाने वाला भोग तीसरे दिन तैयार किया जाता है। सूर्योदय के दौरान व्रत रखते हुए भक्त बहुत सारी तैयारियां करते हैं और उन सभी चीज़ों को जो उन्होंने प्रसाद के रूप में बनाया है उसे चढ़ाने के लिए नदी के तट पर जाते हैं। जल में खड़े होकर लंबे समय तक वहां पूजा करते हैं और ढलते सूर्य की पूजा करते हैं। अगले दिन वे फिर आकर उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। छठ पूजा के अंतिम दिन व्रती अपने पूरे परिवार की खुशहाली और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखते हुए अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ सूर्य देव को अर्घ देकर प्रसाद चढ़ाते हैं और इसी प्रसाद से वह अपना व्रत खोलते हैं। छठ पूजा के लिए ठेकुआ विशेष तौर से बनाया जाता है और सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ में कई प्रकार के फल जैसे केले और इत्यादि, मलपुआ, मिठाई का भी भोग सूर्यदेव को लगाया जाता है। भक्त छठ में ढलते और उगते सूर्य दोनों की पूजा करते हैं। इस त्यौहार से पता चलता है कि सूर्य देव हमारे जीवन के अभिन्न रूप से उनका जो भार है, उनका जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चक्र के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। यह महापर्व में व्रती सूर्यदेव, उषा या छठी मैया, प्रकृति, जल और वायु की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ का प्रसाद मांग कर ग्रहण करने से भी सूर्यदेव और देवी षष्ठी यानी जिनकी पूजा हम नवरात्रों में षष्ठी माता के रूप में या कात्यायनी माता के रूप में करते हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि मांग कर प्रसाद खाने से दुर्भाग्य दूर होता है, दुर्गुण दूर होते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आइए हम सभी छठ पूजा की पूजा को मिलकर मनाते हैं और देवी छठी मैया से अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। जय हो छठी मैया। सबके चलिए, सबके चलिए।